हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू नेहू के व्लॉग्स। और आज है 4th of March और आज है छुट्टी वाला दिन। अब ना वो टाइम वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है जब हम लोग कहते थे कि स्कूल की छुट्टी है, ये मज़ा आ गया पहले जब स्कूल में थे। और अब हम दोबारा जब स्कूल में हैं, पहले पढ़ने जाते थे, अब पढ़ाने जाते हैं, तो अब भी ऐसा लगता है ये आज छुट्टी है ऐसा वाला। और देखो गाइस, मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। यहाँ पर सूर्य देवता नाराज होकर बादलों के पीछे बैठ रहे हैं। ये देखो भाई गाइस, मेरी मम्मी बाहुबली बन के आ रही है, पूरा ऐसे सर पे उठा रखा है इतना बड़ा। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और प्रियांशु पोछा लगा रहा है अंदर। अब हम करते हैं नाश्ता बिकॉज अब लग चुकी है भूख। आज मम्मी ने सुबह सुबह बना रखा है, भी लाइक भी है, कैसे दिखाऊं, हलवा। हलवा बनाया है और थोड़ा सा कुछ ऐसी खाने के लिए कुछ भी बना लेते हैं, जरूरी नहीं पूजा में ही खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं ना जब मन करे तो। तो क्या आप लोग भी ऐसे खाते हो? कमेंट डाउन बिलो मुझे भी बताओ कि हम ही लोग ऐसे अनोखे नहीं हैं जो कभी भी खुद ही बना के खा लेते हैं, है ना। और ये रही कल्लू, हमने इसका नाम कल्लू रखा है। पहले ये जब हुई थी ना तो ये बहुत काली थी, तो हमने इसका नाम कल्लू रखा। अभी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग गई नीचे से, अभी भी इसका नाम कल्लू है। चलो खा। तो गाइस, अभी मैं बहुत बड़ा वाला काम कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, जितने भी मेरे पास जूते हैं मैं सब धो डाल रही हूँ सब, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको आने वाले क्लिप, कुछ 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 जो व्लॉग्स हैं उसमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना गेहूँ की कटाई होना शुरू हो गया है, तो यहाँ कंबाइन आई है, देखो यहाँ पे बगल में। और ये देखो हमारी गाय भैंस, ये हमारी भैंस है, ये हमारी गाय है, ये ब्याने वाली अभी, और हमारी थोड़ी है, ये हमारी बकरी है, और इसी के बच्चे हुए थे वो अंदर हैं, वो इधर उधर फुदकते रहते हैं ना, तो हम उसको गोट में अंदर डुकोठियाए रहते हैं उनको अंदर। गाइस, अभी मैंने भाभी को फ़ोन किया, भाभी से बोला आप मुझे पिछोड़ा और नथ दे सकते हो, तो भाभी ने बोला हाँ ले जाओ। तो अब मैं जा रही हूँ भाभी लोगों के वहाँ लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है ना पिछौड़ा और नथ। तो मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था बनाने का वीडियो पहाड़ी लुक में, जो कि मैं नहीं बना पा रही थी, अब बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ भाभी के पास, और यहाँ पे बुआ लोग के गेहूँ कट रहे हैं। बुआ लोग तो बांध रहे हैं, और वो लोग काट रहे हैं, और बुआ लोग बांध रहे हैं। आंटी नमस्ते, ब्लॉग। ये हमारी बुआ सबको बुला रही है, बुआ हमारे गेहूँ काट दो करके। ऐसे करो हाथ से, ऐसे ऐसे सब कुछ कर देना। हमारी भाभी है, और ये इसका नाम क्या था भाभी? लक्षिता। बीमार हुई है, बीमार है, हजरी है, है? तो अब मैं आ गई हूँ लक्षिता के साथ खेलने में, बहुत मज़ा आया था।
थोड़ी देर हो गई थी, फिर मैं आ गई, थोड़ी देर वहीं पे बैठी थी, फिर आ गई। अब जाते हैं और रेडी होते हैं। गाइस आई एम रेडी। असल में शादी में जा रही हूँ, मैंने थोड़े से अपने बाल जो हैं वो कर्ल किए, अगर आपको दिख रहे हैं तो थोड़े से किए, जॉन लूज कर्ल्स किए। बाकी अभी मैं नथ पहनूंगी और पिछड़ी पहनूंगी और थोड़े से झुमके तैयार। गाइज आई एम फुल रेडी। तो गाइज इतने तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे जो डफर जैसे भाई है ना, वो कोई भी मेरी वीडियो बना नहीं दे रहा है, और मैं इतनी अच्छे से तैयार हो रखी हूँ। तो मैंने अंशु को बुलाया, अब अंशु मेरी वीडियो बनाएगा। वैसे आपको मैं कैसी लग रही हूँ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी मेहनत करके मैंने थोड़े थोड़े कर्ल्स किए थे, वो भी नीचे को लटकने लगेंगे थोड़ी देर में। जी है ना, ये क्या ही बोलूँ, इनसे कुछ बोलने जैसा ही नहीं। अब मैं इनसे बात ही नहीं करूँ, देखना। तो गाइज अंशु आ गया, और इकलौता अंशु ही है जो बेचारा मेरी मदद कर देता है, इसको करना पड़ता है मजबूरन, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास इसके अलावा ना अंशु। तो गाइज अंशु ने कुछ कुछ फोटो ली है मेरी, जो कि ठीक ठाक आ गई है, और मैं अब उन्हीं को डालूंगी। और कुछ कुछ रील्स तो मैंने अकेले बनाई हुई है, आई डोंट नीड एनीवन। तो मैंने कर लिया है चेंज, और यू कैन सी अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, और मैंने बोला था खाना बना लेना मेरे आने से पहले पहले, और मैं इन सब खानों में कामों में लग गई, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मैं खाना बना के फटाफट ये सब बात। तो आप देख ही सकते हो कि मेरी क्या हालत हो गई है, अभी मैं कैसी लग रही थी और अभी मैं कैसी से कैसी हो गई। और मम्मी भी आ गई यहाँ पे घर पे, और अभी मम्मी बना रही है बैंगन की सब्जी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम काटते हैं, हम खाते हैं अब पपीता। चाकू छिलना लगा है, छिलना चलो इसको ही काटते हैं अभी, ये बड़ा है जी। बैठ जाते गाइस, साफ है हमारा तो फट से। हमारे मम्मी बोली हमारे पपीते लग रहे हैं, जो खा रहे हैं हमारे घर आ जाए, जिसको खाने सबके घर में लगे आजकल, इतना बड़ा पपीता देखो। हम इसको काटेंगे और हम इसको खा जाएंगे। कल मैंने स्कूल से आते आते एक पपीता खाया था, इसको और उसको साथ में तोड़ा था, वो थोड़ा छोटा था तो मैंने अकेले खा लिया वो। अब मैं ये काट के सबको खिलाएंगे। तो ये हमने पपीते यहाँ पे काट दिया, और मैंने तो खाने भी लग गई हूँ, ये सब लोग खा रहे हैं, मम्मी भी काट रही है, अब खाते हैं। देखो हमारे इसमें से इतने सारे दाने निकले, नमक भी लाया हमें, हम खाएंगे, खा रहे हैं। तो गाइस अब मैं फिर से हो गई हूँ रेडी। आप सोच रहे होगे चार जने तक, आप सोच रहे होगे मैं सुबह से तैयारी होने में हूँ बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ भागवत लगे हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं भागवत में। मम्मी भी हो गई है रेडी, और मैं भी जाती हूँ। तो ये हम निकल चुके हैं, आंटी भी तैयार हो गई, मेरे को पीछे छोड़ दिया, मैं भी जाती दौड़ दौड़ के। हैं क्या कह रहे हो आंटी, आप भी आओगे, आप तो आ ही जाते हो। तो ये आंटी लोग यहाँ से फूल चोर रहे हैं, वो देखो ऊपर, सुंदर लग रहे हैं ना, खाली तोड़े आपने। तो अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं बस यहाँ पर, थोड़ा सा आगे जहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा है वहीं पे। पुष्प से इतना प्रेम कि जहाँ कहीं कमल का फूल दिखता दौड़ी दौड़ी चली जाती, कई बार जंगल भाग जाती कमल का पुष्प देखने, सरोवर चली जाती, जंगल गंगा जी के तट पहुंच जाती। बिटिया वन में ऐसे भाग ना जाए, ये सोचकर राजा ने अपने उपवन में ही सरोवर बनाए, और उपवनों में हजारों कमल दल खिल गए।
कमल दल वही राज्य में होंगे, लेकिन फिर भी राजकुमारी का मन नहीं मानता। वो कभी कभी अपनी सखियों के साथ गंगा जी के तट चले जाती, गंगा जी में खिलने वाले सहस्त्र दल कमलों को देखने के लिए। कमल की सुगंध बहुत प्यारी थी, कमल की सुगंध से बहुत प्रेम था। जहाँ कमल दिखा नहीं दौड़ी दौड़ी चली जाती एकावली। एकावली की आदत को देखकर महाराज ने अपनी प्रिय बिटिया के साथ एक सेना युक्त कर दी, एक सैनिक टुकड़ी अपने बिटिया की रक्षा में हमेशा के लिए तैनात कर दी। जहाँ भी जो है खत्म हो गया है, अब सब लोग बैठ गए, कोई लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आगे भी वो करके आ रहे हैं, भेंट चढ़ा के आ रहे हैं। यहाँ पे आंटी लोग बैठे हैं, मम्मी लोग। ये आंटी, आंटी बोली थी मुझे ही मुझे दिखाना बस पूरे में, ये ताई है। ये ताई है हमारे। यहाँ पे है हमारा भंडारा। हर्षिता, ये है बारिश, असली नाम क्या तेरा? वैष्णवी। ये आएगी मेरे व्लॉग में, ठीक है? ये संजू। पूजा रजनी, नमस्ते 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 नमस्ते। मैं आता नहीं हूँ व्लॉग में, कैसा लगता है? सब हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। ही रहे हमारी तीन त्रिदेवी, इधर को आओ, ठुक जाओगे अभी। पूरी और पनीर की सब्जी। क्या 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 खाया आपने? पूरी खाई और पनीर की सब्जी खाई और खीर खाया। खीर अच्छी हुई थी ना? तो तेरी मम्मी ने, यहाँ की मम्मी ने दो बार खाया। इसमें नया की रजनी की मम्मी ने दो बार खाया, इसने सबसे पहले बार खाया था। मम्मी का साथ देने के लिए खाया, बोलना है मतलब कमला का साथ देने के लिए रजनी की मम्मी ने दो बार खाया। मैं तो कथा को साग मिल के पहले खीर खीर, मैं तो अंशु के साथ निकल गई, मम्मी लोग रह गए चले गए। अंशु और मैं मैं जिसकी साइकिल में बैठती हूँ उनकी साइकिल खो जाती है। अंशु लक्ष्मी मैम की साइकिल में बैठी हूँ, उनकी साइकिल खो गई, सोच ले। तो यहाँ पे आप लोग ये देखो, हमने ना पुरानी जालियाँ हटवा दी हैं क्योंकि ये खराब हो गई थी, देख सकते हो आप, यहाँ से मच्छर घुस जाते थे इसमें, तीन तीन चार चार छेद हो गए थे। तो हमने लगाए हैं ये वाली। अब ये वाली लोहे वाली जालियाँ नहीं है ना, तो इनमें जंग भी नहीं लगेगा और ये ख़राब भी नहीं होगी, तो हमारा डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो आई थिंक ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अपने आप ही बन गया है, मतलब अपने आप तो कहाँ से बना, मैंने बनाया, लेकिन बड़ा बन चुका है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद देखना ज़रूर। अच्छा बहुत हो गए गाइस, तभी हम लोगों ने ये जल्दी से बदल दी हुई जालियाँ, वरना पूरे मच्छी मच्छर हो जाते हैं अंदर। कैसे होते हैं हम लोग, इन्वर्टर भी नहीं है आजकल, तो इन्वर्टर भी खराब हो गया, बताओ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।